This will entirely change the way you learn anything. Basically, हम humans अलग अलग sensory system से भरे हुए हैं. Eyes, ear, nose, everything counts. And आज जिस तरह से हम social media consume करते हैं, basically हम अपने सारे senses को overload कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा dopamine release होता है हमारी body में, तो हमको अच्छा तो लगता है. And you will probably agree to that. But problem with that is कि हम जल्दी थक जाते हैं. And whenever you want to learn something new, you want your mind to be relaxed and energetic. Because जब भी आप कुछ नया सीखने जाते हो, you want your brain to integrate those senses into your memory. इससे होगा ये कि आपके mind में same connection over and over enforce होते जाएंगे and will eventually become into a memory. And social media use करने से ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो रही है. Like I can give you a very good example. Like किसी ने तुमको एक reel भेजी, तुमने उस reel को देखा, तुमने अपना phone बंद कर दिया. And let's just say रात को तुम वापस से phone scroll कर रहे थे, you go back into the messages and वहाँ पर जाते ही जैसे तुम उस reel को देखते हो तो तुम्हारे माइंड में एकदम से हिट नहीं करती. लाइक ये रील इसने कब भेजी. एंड सडनली व्हेन यू ओपन इट यू रियलाइज यार ये तो देखा हुआ है. लाइक यू सी दैट 15 टू 20 सेकंड ऑफ अटेंशन स्पैन मींस नथिंग. उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन है. ये सारा जो सोशल मीडिया का कॉकटेल है ये हमको एक इमोशनल ट्रिप देता है. एक बार को तुम कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देख रहे थे, देन सडनली यू स्टार्टेड वाचिंग फनी एंड देन यू सॉ समथिंग डिस्टर्बिंग. एंड इफ यू अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड वर्क्स देन यू विल रियलाइज हाउ इजी इट इज टू लर्न समथिंग न्यू.